नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज हम इस वीडियो में माता वैष्णव देवी के बारे में बात करेंगे। माता वैष्णव देवी और भगवान कल्कि की क्या क्या सब अपूर्व लीला है कलियुग में, उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि माता वैष्णव देवी की जन्म त्रेता युग में हुई थी और त्रेता युग में वो एक राजा के घर में जन्म ली थी, मतलब वो एक राजकन्या थी और उनका नाम वैष्णवी थी। और जब वो भगवान राम के बारे में जाना तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को अपनी पति के रूप में पाने की इच्छा जगाई और उन्होंने अपने पिता से अनुमति लेकर वन में तपस्या करने चली गई। लेकिन उनके जो पिता महाराज थे वो पहले पहले तो शुरुआत में बिल्कुल नाराज़ थे। माता वैष्णव देवी की जो इस तरह की डिसीजन थे वो महाराज को विचलित करते थे। लेकिन बाद में उनके पिता को भगवान राम के बारे में पता चला और उनको अपनी गलती की एहसास हो गई। माता वैष्णवी कोई साधारण या फिर मामूली लड़की नहीं थी, वो माता योग माया की एक अंश अवतार थी और इसीलिए उन्होंने भगवान की प्राप्त के लिए वन में तपस्या करने चली गई और एक दिन उनको भगवान श्री श्री रामचंद्र जी की दर्शन हुई और माता ने प्रभु से कहा कि हे नाथ, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। लेकिन त्रेता युग में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र एक पत्नी व्रता धर्म की पालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनसे मना कर दी और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा मैं कलयुग के अंत में अवश्य पूर्ण करूँगा, तब तक तुम मेरी ध्यान करते रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। और भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि भगवान हनुमान जी तुम्हारे द्वार पर हमेशा रहेंगे और कलयुग में तुम्हारी बड़ी अद्भुत महिमा होगी। जो कोई भी भक्त तुम्हारा सच्चा हृदय से ध्यान करेगा उसका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। और जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तब मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूँगा। कल्कि राम के रूप में मैं फिर अवतार धारण करूँगा और मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बात भगवान श्री रामचंद्र माता वैष्णव देवी से कही और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तब से माता रानी ने भगवान श्री कल्कि राम के प्रतीक्षा में है। और ये बात आप लोगों को पता है कि कुछ ही साल पहले माता वैष्णव देवी के पास जो एक जंगल है उसी जंगल पर आग लगी थी और उसमें बहुत सारा मतलब जंगल की बहुत बड़ा एरिया आग की लपट में आ गई थी। इसी बात से पता चलता है कि माता वैष्णव देवी अपनी जगह को छूट चुकी है और फिर मानव रूप में कहीं जन्म लिए हैं और सही वक्त आने पर उनकी मुलाकात भगवान श्री श्री कल्कि राम से होगा और तभी जाके उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, जो कि त्रेता युग की उनकी जो इच्छा थी कि भगवान को प्राप्त करने की, वही इच्छा पूर्ण होगी। और इसी तरह माता महालक्ष्मी की भी जन्म हो चुकी है, वो भी मानव रूप में इस धरती पर अवतार ले चुकी है। हमें मालिका से उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो माता महालक्ष्मी की जन्म होगी वो पुरी धाम में होगी अर्थात जगन्नाथ धाम में होगी और वहाँ जो भगवान जगन्नाथ जी के मुख्य पाणाग्रही होंगे उनके घर पर उनकी जन्म होगी। उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये तो प्रभु की लीला है। उनकी लीला के बारे में किसी को भी मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 100% इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास नहीं होगा। जो कुछ भी हमने सुना था उसे आपको बता दिया। ये बात कितनी सही है और कितना गलत है ये आगे चलकर सभी लोगों को पता चलेगा। जैसे कि हम आपको पहले भी ये बात कह चुके हैं कि भगवान जो कल्कि राम है उनके सारे के सारे लीलाएँ एकम्र वन अर्थात लिंगराज क्षेत्र अर्थात जिसे हम आज भुवनेश्वर के नाम पर जानते हैं वही जगह पर खंडगिर नामक एक स्थान है और वहाँ सारे लीला प्रकाश होंगे। इसके बारे में महापुरुष ने कहा है, लक्ष्मी नृसिंह मिलाना खंडगिरि ठारे होइबा पुणा जाई फुलालो तही
मैया शिवे चतुरा नन जाई फुललो महादेव जे आसीबे तांडव नृत्य रे मन महिबे जाई फुललो अष्ट दुर्गा संगत रे थीबे जाई फुललो। इसका मतलब भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी की मिलन खंडगिरी पर होगा और वहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा मतलब जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी वहाँ पधारेंगे और वो भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी की विवाह उत्सव करेंगे और कैलाश धाम से भगवान महादेव देवाधिदेव शंकर महादेव आएंगे और उनके पास कौन कौन देवियाँ होंगे उनके पास अष्ट देवियाँ होंगे मतलब जो अष्ट दुर्गा हैं उनके संगत में होंगे। ये बात मालिका में लिखी गई है। और एक बात आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के वजह से रथ यात्रा का जो कि पृथ्वी प्रसिद्ध रथ यात्रा जिसे पतितपावन यात्रा भी कहा जाता है वो लगभग बंद हो चुका है मतलब भक्त शून्य रथ यात्रा हो रहा है। और महापुरुष ने कहा है कि एक ऐसा समय आएगा एक ऐसा दिन आएगा जबकि भक्त लोग खंडगिरी में रथ यात्रा करेंगे। तो फिर खंडगिरी में रथ यात्रा क्यों होगा जबकि खंडगिरी में जगन्नाथ मंदिर भी नहीं है? ये बात तो आप खुद विचार करेंगे। तो ऐसे लीलाएं खंडगिरी पर क्यों होगा, वहाँ पर कौन होंगे जिसलिए वहाँ पर रथ यात्रा होगा और बहुत सारे लीलाएं भी होंगे मतलब खंडगिरी में ऐसे बहुत सारे गुम्फा है जहाँ की बहुत सारे लगभग 60,000 तपस्वी और मुनि ऋषि वहाँ विराजमान करते हैं और वो नित्य प्रतिदिन भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। लिंगराज क्षेत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है लेकिन कलियुग की घोर कली के प्रभाव से उसकी सारे महिमा विलुप्त हो गई है। और जब आद्य सत्य युग अर्थात अनंत युग की प्रकाश होगा तभी ये सारे के सारे घटनाएँ होंगे और वो अपने आप में ही प्रकाश हो जाएंगे। भगवान लिंगराज के पास एक पुष्करणी है एक सरोवर है जिसका नाम बिंदु सरोवर है और वहाँ भी एक अद्भुत लीला होगी। महापुरुष ने कहा है कि एक ऐसा दिन आएगा जबकि बिंदु सरोवर के सारे जल अपवित्र हो जाएंगे अर्थात सारे के सारे जल जहर हो जाएंगे और इसे जो कोई भी स्पर्श करेगा उसका मृत्यु हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि इस खंडगिरी पर एक बहुत बड़ा लीला होगा जो कि शायद 2024 में हो सकता है। हमें इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि ये शायद इस 2024 के अंदर ही ये सारे चीज़ हो जाएंगे। नहीं तो ये प्रभु की मर्जी है, वो कौन सी कार्य कब करेंगे सिर्फ उन्हें ही पता है और किसी को भी पता नहीं है क्योंकि कलियुग में जो लीला हो रही है वो अत्यंत गुप्त में हो रही है। इसके बारे में महापुरुष ने कहा है गुपत गुपत एमहा गुपत जानी थातु रामचंद्र ब्रह्मा शंकरं को विदित नहिव न जानिबे इंद्रचंद्र। इसका मतलब कलियुग में जो भी लीला हो रही है और आगे जो कुछ भी लीला होंगे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा मतलब देवता लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा और साधारण मनुष्य तो उसके आदि अंत भी नहीं पाएगा। इंद्र चंद्र ब्रह्मा और शंकर वो भी इसके बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ जो भगवान इस लीला को कर रहे हैं उनके सिवा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इधर उधर से जो कुछ भी बातें सुन रही हैं उसे भूल जाइए और हमेशा अपने मन में एक प्रयास रखिए कि कैसे इस भगवत सत्ता की प्राप्त करेंगे। भागवत जी का नित्य अनुसरण कीजिए और हमेशा अपनी मन ही मन भगवान के नाम लेते रहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस कलियुग में नाम ही श्रेष्ठ है। और उड़ीसा के जो पंचसखा है उन्होंने भी कहा है कि कलियुग में सिर्फ नाम ही श्रेष्ठ है और नाम ही एक चीज़ है जो कि मनुष्य को इस भव सागर से ऊपर ले जा सकता है। इसलिए हमें सिर्फ नाम के अनुसरण करना चाहिए ना कि उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में कुछ हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत सारे बातें बोल रहे होंगे मत आप उनके बात पर ध्यान मत दीजिए
क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और किसी की बात में मेलजोल नहीं रहता। इसलिए आप अपनी मन की बात को सुनिए कि आपकी विवेक क्या कह रहा है, उसी बात को फॉलो कीजिए। और भागवत में और एक चीज़ कहा है कि विश्वास से मिला ही हरी, अर्थात भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करने से ही आप उनकी प्राप्त कर सकते हैं। तर्क और वितर्क करने से कोई लाभ नहीं होगा, इससे आपको ही हानि पहुंचाएगा। तो हमेशा आर्गुमेंट से बाहर रहिए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि भगवत सत्ता को धारण करने के लिए पहले तो आपका मन शांत रहना चाहिए। इससे आपकी विवेक जो है वो शुद्ध हो जाता है, आपकी मन वाणी ये सारे के सारे शुद्ध हो जाता है जब आप साइलेंट रहते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।